EVS class. Students, in this class we have finished chapter number 3. The name of the chapter is Work We Do. Clear everyone? So students, today we will start our new chapter. Our new chapter is chapter number 4. The name of the chapter is Caring for Others. Okay? Students, this chapter is included in your subject enrichment. Ye chapter aapke subject enrichment ka chapter hai. Okay? Students, now tell me that what is the meaning of the chapter name? Chapter name ki Hindi meaning kya hai? So, the Hindi meaning of caring for others is dusro ki dekhbhal karna. Clear? What is dusro ki dekhbhal karna? Clear? Students, we all should care for others. Hum sabhi ko dusro ki dekhbhal karni chahiye. आप भी अपनी फैमिली मेंबर्स की केयर करते होंगे, है ना? डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम दूसरों की देखभाल कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हम किस तरह से दूसरों की देखभाल कर सकते हैं. सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स की ही नहीं, हम फैमिली मेंबर्स के अलावा भी किस तरह से दूसरों की केयर कर सकते हैं, हम इस चैप्टर में इस बारे में पढ़ेंगे. Clear everyone? Before starting this chapter, we will read the story of Reema's birthday party. हम इस chapter को start करने से पहले Reema की birthday party की story पढ़ेंगे. Clear everyone? Now open your book and see page number 18. Today is Reema's birthday. आज Reema का birthday है. She is very happy. वो आज बहुत ही खुश है. A party was held at her house. उसके घर में एक पार्टी रखी गई है. किस लिए? उसके बर्थडे के लिए. आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर Reema एंड हर ग्रैंडफादर वेंट टू एन ओल्ड एज होम. पार्टी के खत्म होने के बाद Reema और उसके ग्रैंडफादर दोनों साथ ओल्ड एज होम गए. नाउ व्हाट इज एन ओल्ड एज होम? So an old age home is a place where old people who have no one to look after them live. तो बच्चों, old age home एक ऐसा घर है जहाँ पर old people यानी कि बूढ़े लोग एक साथ रहते हैं, जिन्हें देखने वाला कोई भी नहीं होता. When they reached the old age home, Reema distributed sweets to the old people there. और जब वे old age home पहुँचते हैं, वे यानी कि Reema और उसके ग्रैंडफादर दोनों एक साथ जब ओल्ड एज होम पहुंचते हैं, तो Reema अपनी बर्थडे की खुशी में सभी को स्वीट्स यानी कि मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट करती है. दे ऑल ब्लेस्ड एंड थैंक्ड हर. Reema स्पेंड सम टाइम विद देम. और बच्चों, जब Reema सभी ओल्ड एज पर्सन को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वे सभी उसको थैंक यानी कि धन्यवाद करते हैं और उसे आशीर्वाद भी देते हैं. उसके बाद Reema उनके साथ कुछ टाइम भी स्पेंड करती है यानी कि बिताती है. क्लियर? एन ओल्ड एज पर्सन वॉज वॉकिंग विथ अ वाइट केन इन हिज हैंड. बच्चों, उस ओल्ड एज होम में एक बूढ़ा व्यक्ति व्हाइट कलर की छड़ी के साथ चल रहा था. Reema asked हर ग्रैंडफादर अबाउट द वाइट केन. तभी Reema अपने ग्रैंडफादर से उस केन के बारे में यानी कि उस छड़ी के बारे में पूछती है. ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट दिस ओल्ड पर्सन वॉज ब्लाइंड हैज ही यूज्ड अ केन. तभी Reema के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि वो पर्सन ब्लाइंड यानी कि अंधा है, इसीलिए वह वाइट कलर की छड़ी का प्रयोग कर रहा है. क्लियर? Reema वेंट टू द ओल्ड मैन एंड आस्क अबाउट दिस वेल बीइंग. तभी Reema उस ओल्ड मैन के पास जाती है और उसके हाल चाल के बारे में पूछती है कि वो कैसे हैं. क्लियर? द ओल्ड मैन टोल्ड Reema दैट ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. तभी वो ओल्ड मैन Reema से बताता है कि उसे रीडिंग यानी कि पढ़ने का बहुत ही शौक है. फॉन्ड का मीन्स होता है शौकीन. सो Reema वॉज सरप्राइज्ड. शी आस्क्ड हाउ डू यू रीड अंकल. तभी Reema शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि कैसे कोई ब्लाइंड पर्सन रीड कर सकता है. तभी वो उनसे तुरंत पूछती है दैट हाउ डू यू रीड अंकल. अंकल, आप किस तरह रीड करते हो? ही रिप्लाइड ब्लाइंड पीपल रीड विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट.
तभी वो बूढ़ा व्यक्ति रिप्लाई करता है कि ब्लाइंड पर्सन यानी कि अंधे लोग भी ब्रेल स्क्रिप्ट के हेल्प से पढ़ सकते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट? अब ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है? सो वी विल रीड अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट इन आवर नेक्स्ट सेशन। हम ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 18। दिस इज योर होमवर्क। राइट द बर्थ डेट्स ऑफ द फॉलोइंग पीपल। आपको इन लोगों के बर्थ डेट्स यहाँ पर राइट करना है। फर्स्ट योर मदर, योर फादर, योर ग्रैंड मदर एंड योर ग्रैंड फादर। क्लियर? आपको इन सभी फैमिली मेंबर्स के बर्थ डेट आपको इनसे पूछना है और यहाँ पर इनका बर्थ डेट राइट करना है। क्लियर एवरीवन? दिस इज योर होमवर्क।